चलो वेलकम अगेन जी। तो यार 12th क्लास स्टूडेंट्स का आज फिजिक्स का एग्जाम हो गया, बढ़िया हुआ होगा यार। पेपर हमने देखा ठीक ही आया था, तो जल्दी से इसकी आंसर की यार डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन ए जो आपके तीनों सेट है ना, सेट ए बी सी या सेट 1, 2 और 3 होते हैं, इनके हम आंसर की डिस्कस कर रहे हैं। 18 क्वेश्चंस हैं सेक्शन ए में, तो जो आपका सेट 1 है उसको मेनली डिस्कस करेंगे। सेट 2 और सेट 3 में तो क्वेश्चंस फिर आपके एक दो चेंज है, बाकी सब क्या है रिपीटेड है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते यार, जल्दी से अभी बच्चे देकर रहे थे क्वेश्चन पेपर, तो उसको देखकर हमने जल्दी से की बनाई है और जल्दी से उसके एटलीस्ट सेक्शन ए जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है उसकी वीडियो तो मैंने कहा बना ही देते हैं, बाकी सेक्शन की भी बना देंगे। तो सेट 1 का जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो है यार, ओके देख लो भैया अपना क्वेश्चन पेपर। तो सेक्टर 1 है बेटा, फर्स्ट पेज हमने इसका स्कैन भी किया, तो ये इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन वाला तो आपको पता ही होगा, पढ़ ली होंगी बहुत बढ़िया तरीके से। बाकी अब जो हो गया ठीक है, लेकिन एक बार आंसर डिस्कस कर लेनी चाहिए, तो आंसर डिस्कस कर लेते हैं एक एक करकर। तो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन ए में आपके पास टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 18 क्वेश्चंस हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि कह रहे हैं कि अ पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सिस एक्सपीरियंस अ फोर्स एफ इफ द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज इज 2 r। पहले डिस्टेंस कितना दे रखा भैया? आर दे रखा है। कह रहा है अगर डिस्टेंस डबल कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स को क्या फर्क पड़ेगा? ध्यान से देखना भाई, इसमें बात किसकी चल रही है? इलेक्ट्रिक डायपोल की। अब जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आइडियल डायपोल है, क्योंकि इसने वर्ड यूज कर दिया इट्स अ शॉर्ट डायपोल। तो शॉर्ट डायपोल के एक्सिस पर आपको याद होगा जिसको हम ई एक्सियल बोलते होते हैं, इसका फार्मूला 2kp डिवाइडेड बाय आर क्यू, राइट। पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहीं पे कर रहा हूं यार, जितनी सी जगह बच रही है इसी के ऊपर, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। किसके प्रोपोर्शनल है ये? आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये था वहां पे उसने एक चार्ज रखा है, तो फोर्स की बात कर रहा है। फोर्स का फार्मूला होता है क्यू इंटू ई। चार्ज तो वही है जो कि कॉन्स्टेंट है, अब चार्ज क्योंकि वही है तो ये किसके प्रोपोर्शनल चले गया? ई के। ई किसके प्रोपोर्शनल था? 1 डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ओके जी। तो कहानी ये है कि अगर डिस्टेंस डबल कर दोगे तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड 8 times हो जाएगा, यानी फोर्स भी क्या हो जाएगा आपका 8 times कम हो जाएगा। तो इसका आंसर करेक्ट क्या बनना चाहिए? F/8। नॉर्मली पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, लेकिन ये डायपोल था भाई, डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या था? आर क्यूब था। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये सही किया होगा। तो इट वॉज क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 2 पे। ध्यान देना भाई, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि फॉर ए मेटलिक कंडक्टर द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेरिएशन ऑफ अ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। बात किसकी कर रहा है? मेटलिक कंडक्टर की। कंडक्टर की वेरिएशन अलग है, सेमी कंडक्टर की अलग है, अलॉयज के लिए अलग होती है। तो फॉर मेटलिक कंडक्टर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ अ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, ओके। जो मेटल्स होते हैं भैया उसमें रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? टेम्परेचर। एक्चुअली क्या है, रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। तो इनमें से अगर मैं बात करता हूं तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी वाली बात कर रहा है, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी वाली बात कर रहा है और ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी वाली बात कर रहा है, तो इसको तो क्या कर देते हैं हम, छोड़ देते हैं। अब आते हैं 3 options, राइट। ये ग्राफ जो है ना ये लीनियर ग्राफ है। मेटल्स जो हैं या कह लो जिनको प्योर कंडक्टर्स कह देते हैं, तो मेटलिक वर्ड यूज किया है। मेटलिक में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी तो होती है लेकिन वो लीनियर ग्राफ नहीं बनाता यार। लीनियर ग्राफ अगर एलॉयज होता नहीं तो एलॉय के लिए तो लीनियर ग्राफ बन जाता है। तो इसमें से जो बेस्ट आंसर आपका आएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होगी। आंसर इसका क्या आ जाना चाहिए? डी आ जाना चाहिए, ओके जी। तो होपफुली ये भी आप लोगों ने सही ही किया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर
3। ये क्या कह रहा है भैया कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इन एन ओपन सर्किट इज 8 वोल्ट। ओपन सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेल का, उसको हम ईएमएफ कहते हैं। यानी कि उसने क्वेश्चन में सेल की जो ईएमएफ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 8 वोल्ट। इट फॉल्स टू 4 वोल्ट व्हेन अ करंट ऑफ 4 एम्पीयर इज ड्रॉन फ्रॉम इट। जब करंट ड्रॉ करते हैं उस वक्त जो सेल के अक्रॉस वोल्टेज होती है, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओपन सर्किट में जो होती है ईएमएफ, यानी कि ईएमएफ दे रखी है। इधर क्या दे रखा था आपको, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा था, करंट भी दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। यहां छोटी सी जगह है, इसीलिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये बनेगा जी, आपके पास फार्मूला होता है ई इज इक्वल टू वी प्लस आई इंटू आर। अब इस क्वेश्चन में ई दे रखा है, वी भी दे रखा है, I भी दे रखा है, R आपने कैलकुलेट करना है। E is 8 equal to V कितना भैया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 4 प्लस करंट कितना दे रखा है 4, और रेजिस्टेंस आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इस 4 को इधर ले आओ, 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा भी, 4 is equal to 4 into R। 4 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 into R। ओके, 8 माइनस 4 यार 4 हो गया, 4 इज इक्वल टू 4 आर। तो आर कितना आ जाएगा तुम्हारा, 1 ओम आ जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या बनना था यार, 1 ओम। यानी कि डी ऑप्शन क्या होनी थी इसकी, करेक्ट होनी चाहिए, राइट जी। फिर वही बात कि उम्मीद है ये भी आपने सही कर दिया होगा। अब आते हैं यार क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 सेज A steady current flows through a metallic wire. Okay, metal की बनी हुई एक वायर है, उस area of cross section increases continuously, जिसका area of cross section क्या हो रहा है, continuously increase हो रहा है, from one end to the other, the magnitude of drift velocity of the free electron as a function of A is, drift velocity की area of cross section के साथ क्या चाहिए, relation चाहिए। याद करो हमारे पास एक formula आता है, I is equal to A N E into V D, A N E V D यानी कि drift velocity। अगर एक कंडक्टर है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो भी रहा है, तो भी उसमें से करंट क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है, क्योंकि सेम ही कंडक्टर है। अगर डिफरेंट पार्ट्स उसके देखें, डिफरेंट पार्ट्स सीरीज में लगे होते हैं, तो इस क्वेश्चन में I क्या रहना था, कांस्टेंट रहना था। एक वायर है, उसका चाहे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल हो, करंट उसमें क्या रहता है, कांस्टेंट। अब करंट कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, E वैसे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहां से जो पॉइंट ये निकलता है ना यार, I इज इक्वल टू A इंटू VD। I जो है किसके प्रोपोर्शनल जा रहा है, A इंटू VD के, यार N कांस्टेंट, E कांस्टेंट, दैट मींस I किसके इक्वल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू VD, और साथ में कोई कांस्टेंट, ठीक है। अब यहां से अगर मैं देखूं, A इंटू VD इज इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय I, ध्यान से देखना, A इंटू VD इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट था, करंट भी क्या है, कांस्टेंट है, कहने का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का प्रोडक्ट क्या रहेगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है जी। VD इनटू A शुड रिमेन कांस्टेंट। एक वो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं ना आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी यही कहती होती है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये भी वही है कि V और A का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। दैट मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या चली गई, A चलेगी भाई। अगर drift velocity बेटा inversely proportional to A चलेगी, तो इसमें से देख लो inverse proportionality वाला कौन सा बन रहा है तुम्हारा। First option में जैसे जैसे area बढ़ रहा है, drift velocity क्या हो रही है, कम हो रही है। जहां area ज्यादा होगा वहां velocity कम होगी, जहां area कम होगा वहां velocity ज्यादा हो जाएगी। ये गलत हो गया, ये वाली ऑप्शन भी क्या हो जाएगी आपकी, गलत चल जाएगी। इन दोनों में से सही हो सकती है, लेकिन जब इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी हो तो लीनियर ग्राफ नहीं, हाइपरबोलिक ग्राफ आता होता है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या आएगा भी आपका, ए आएगा हमारे हिसाब से, यही है। बाकी नेट वेट पे और भी लोगों ने डाल रखा होगा, चेक कर लेना एक्सपर्ट लोगों से, हम तो चलो ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से आंसर दे रहे हैं। इसका आंसर क्या बनेगा, ए बन जाएगा।
ठीक है जी। ओके अब आते हैं किसपे, अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका फिफ्थ, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्रॉट नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट, इट विल बी। भैया डायमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं, दे आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब इस हिसाब से चाहे नॉर्थ पोल के पास भेज दो चाहे साउथ पोल के पास भेज दो, दोनों ने क्या करना है उसको रिपेल ही करना है। तो पहली ऑप्शन है रिपेल्ड बाय बोथ द पोल, दूसरी है अट्रैक्टेड बाय बोथ द पोल, तीसरी है रिपेल्ड बाय नॉर्थ पोल। बाकियों को देखते ही है यार, इसका बेस्ट आंसर क्या चल जाएगा आपका, रिपेल्ड बाय बोथ द पोल। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है इज ब्रॉट नियर द नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट, इट इज रिपेल्ड बाय बोथ द पोल्स। ए ऑप्शन ये कह रही है रिपेल्ड बाय बोथ द पोल्स, तो इसका आंसर क्या आ गया जी, ए आ गया। ओके जी, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अगले में चलते हैं यार। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कह रहा है जी, सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। ओके ये न्यूमेरिकल टाइप आ गया, थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ सकता है, सॉल्व करना पड़ सकता है, तो कर देते हैं यार। सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स यानी एन कितना दे रखा है 40, तो ये बेटा क्या हो गया आर हो गया, ये हो गया तुम्हारे नंबर ऑफ टर्न्स। इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 25 डिवाइडेड बाय पाई रेडियन पर सेकेंड। ओके ये आपकी ओमेगा की वैल्यू है, इन्हें यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड फील्ड भी दे दिया, इट इज इक्वल टू 3 × 10⁻²⁺ टेस्ला, यानी कि ये किसकी वैल्यू दे रखी है आपको, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है। द मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज, ये कॉइल है अपने वर्टिकल डायमीटर में घुमा दी तो इसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगी, जिसका फार्मूला क्या होता होता है इंड्यूस ईएमएफ का, एन बी ए ओमेगा कॉस थीटा। ठीक है, नहीं ईएमएफ इंड्यूस का होता है एन बी ए ओमेगा, सही है, कॉस ऑफ थीटा, कॉस इन फ्लक्स में कॉस होता है, एन बी ए ओमेगा साइन थीटा भाई, एन बी ए ओमेगा साइन थीटा। ओके इट विल बी एन बी ए ओमेगा, साथ में क्या आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है साइन आएगा भैया कॉस गलती से बोला माफ कर देना, तो एन बी ए ओमेगा साइन थीटा मैक्सिमम बोला है तो मैक्सिमम में ये साइन थीटा मान हो जाएगा। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला आना चाहिए एन बी ए इंटू ओमेगा, दैट मींस जो इंड्यूस ईएमएफ आनी चाहिए थी कुछ यूनिट्स का कन्वर्जन देखना पड़ेगा बेटा, सेंटीमीटर में भी एक चीज दे रखी है, एन की जगह आप पुट करेंगे 40, ओके मैग्नेटिक फील्ड की जगह पुट करेंगे 3 × 10⁻², ये ऐसा ही नहीं है, ठीक है, ए की जगह पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर, समझो है ना, तो इसका एरिया ऑफ सेक्शन कितना लगना चाहिए पाई आर स्क्वायर, यहां पे आ गया पाई आर स्क्वायर, आर कितना जी इट इज 8/100, सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा भैया मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इट इज 1/8/100। ओके तो एन हो गया बेटा, बी की वैल्यू पुट कर दी, ए की जगह पाई आर स्क्वायर, आर की जगह 8/100 का स्क्वायर, बच गया क्या ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है एसआई में दे रखी है 3 × 25 / π rad/s, तो इट इज 25 / π rad/s। अब देखो इसको सॉल्व करना तुम्हारा काम होगा, पाई से पाई आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ओके मैंने इसको यार सॉल्व कर लिया था तो मेरे ख्याल से इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली कितना आया था 0.19 वोल्ट आ गया था, तो इसका आंसर क्या है बाकी क्या चेक करके देख लेना यार, मेरे ख्याल से यही आया था, मैंने कैलकुलेट किया था, आप कैलकुलेट क्या करेंगे इसको अपने आप कर लेना, तो आंसर विल बी 0.19 वोल्ट। ओके तो कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए भाई, 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब उम्मीद है कि यार तुमने जो भी लगाए होंगे सारे के सारे तुम्हारे क्या हुए हैं सही हुए हैं, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या कह रहा है जी ये भी चेक कर लो, 7 क्वेश्चन सेज फिगर दे रखी है, आप क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ते रहना, तो ये आपका जो इमोशनल ईएमएफ वाला एक जो आर्टिकल होता है ना जिसमें इसके अक्रॉस जो ईएमएफ डेवलप होती है इट इज इक्वल टू बी एल वी
साइन थीटा, यहाँ पर तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ जो इसके अंदर डेवलप होनी है उसका फार्मूला होता है बी इंटू एल इंटू वी। उसने बोला था मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस व्हेन पीक्यू इज मूव्ड विद ए वेलोसिटी वी डज नॉट डिपेंड ऑन, किस किस पे डिपेंड नहीं करती, तो भैया बी पे डिपेंड करती है तो ये गलत हो गया। ओके, एल पे भी डिपेंड करती है, लेंथ पीक्यू, पीक्यू जो लेंथ होती है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है, गलत हो गया। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या था, रेजिस्टेंस। अगर करंट की बात करता ना, इंड्यूस करंट, तो उसका फार्मूला होता है 1 / रेजिस्टेंस इनटू बी एल वी, तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर जाता है लेकिन ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं भाई, तू भी क्वेश्चन नंबर 8 पर। ओके, इसको भी पढ़ लेगा। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ कैपेसिटर, चार्ज करते वक्त कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट डेवलप होता है उसका फार्मूला क्या होता है। अगर आपने बेटा ईएम वेव्स चैप्टर पढ़ा हो तो वहां पे कंसेप्ट आता है डिस्प्लेसमेंट करंट का। ठीक है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो जब उसके अक्रॉस उसको चार्जिंग या डिस्चार्जिंग करते वक्त उसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आता है ना, तो उसके कारण उसमें करंट डेवलप होता है। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट वाला जिसने टॉपिक पढ़ा हो तो डिस्प्लेसमेंट करंट से डायरेक्टली इसका आंसर है यही चीज, डिस्प्लेसमेंट करंट की एक्सप्रेशन होती है। अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट, तो भी हमने क्या लिखना होता है, यही लिखना होता है। और अगर हमने बात की कि कैपेसिटर के अक्रॉस कितना करंट डेवलप होता है, तो इट इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई डिवाइडेड बाय dt, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाता है आपका, c आ जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फॉर ए कनकेव मिरर, ध्यान से देख लेना बात किसकी चल रही है, कनकेव मिरर की चल रही है। तो फॉर ए कनकेव मिरर द फोकल लेंथ f, द मिनिमम डिस्टेंस, फोकल लेंथ उसकी f है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज, समझो किसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस बोला है, ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज के बीच का, रियल इमेज बननी चाहिए। तो अगर मैं बात किसकी करता हूं, एक कंकेव मिरर की, ठीक है जी, याद करो ये हो गया फोकस, ये हो गया उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दूं तो आपको पता है इमेज वहीं पे बन जाएगी ना, ये ए डैश और बी डैश हो गया। अब देखो इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज कहां पे बनी, वहीं पे बन गई, और रियल इमेज भी है। तो बात किसकी चल रही थी, कंकेव मिरर की। हमने डायग्राम किसका बना दिया, कंकेव मिरर का डायग्राम बना दिया, इमेज रियल भी बन गई, उसी जगह पे बन गई। तो इनके बीच में डिस्टेंस इस वक्त कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, इससे कम क्या होगा, नेगेटिव में तो जाने से आए डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस उनके बीच में, ये इमेज कैसी बने, रियल बने, क्या आंसर आना चाहिए इसका, जीरो आना चाहिए। तो करेक्ट आंसर विल बी जीरो, बाकी और भी कहीं से चेक कर लेना। अगली बात क्वेश्चन नंबर 9 की हो गया, ठीक जा रहे हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। ओके, देख लेना यार कोई मिस तो नहीं हुआ, मेरे ख्याल से तो हमने कोई मिस नहीं किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू, रेडियस ऑफ nth ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के केस में जो रेडियस का फार्मूला होता है, पहले ही फार्मूला हम जो निकालते होते हैं वो कितना होता है भैया, 0.529 n स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड। अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो उसमें जेड की जगह क्या पुट कर देंगे, हम 1 पुट कर देंगे। अब इसके हिसाब से r जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चले गया, n स्क्वायर चले गया। तो इसलिए जी इसका आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है जी, बहुत इजी आ गया क्वेश्चन ये। 11 क्वेश्चन पे भी आते हैं। हाइड्रोजन एटम इनिशियल इन द ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब्स अ फोटोन व्हिच एक्साइट्स टू n इक्वल टू 5th लेवल। ओके, इस पे देखो कौन सा फार्मूला यूज होता है, वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इज, दो तरीके हैं भैया इसको करने के, क्या यहां पर हम एक ही तरीका समझाएंगे, इजी वाला। आपको पता होगा कि फार्मूला होता है यार 1 /
लैम्डा इज इक्वल टू आर वन बाय एन वन स्क्वायर माइनस वन बाय एन टू का स्क्वायर। ओके पता ही होगा। अब इस क्वेश्चन में बोला हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है, ग्राउंड स्टेट से फोटोन एब्जॉर्बर के कहां पहुंच गया, पांचवें लेवल पे पहुंच गया। पहले ग्राउंड स्टेट पे था यानी एन वन तो मान ही रहेगा, पांचवें पे पहुंच गया, ये क्या आ जाएगा भैया, पांच आ जाएगा। तो वन बाय लैम्डा किसके इक्वल आ गया, आर। आर भाई आपका रिडबर्ग कांस्टेंट है, यहां पे आएगा वन बाय वन माइनस वन बाय एन टू फाइव है, फाइव का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ट्वेंटी फाइव हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया 25। इसको मिटा के थोड़ी सी जगह बनाते हैं, ऊपर लिख देंगे, इसको यार सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा जी, इट विल बी 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 25 एलसीएम लियो, 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा, यहां पे 28 ये आ जाएगा, 24 डिवाइडेड बाय 25। ओके, निकालना क्या है लैम्डा, इसको उल्टा कर दो, लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 बाय आर इंटू 25 डिवाइडेड बाय 24, यही आएगा ना, गलत तो नहीं कर रहे, नीचे 25 था ऊपर 20, तो 1 बाय आर इंटू 25 डिवाइडेड बाय 24 ही आ जाएगा। अब बेटा रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दो, 1.1 इंटू 10 की पावर 7 होती है, या फिर 1 बाय आर को सीधा ही 911 एंगस्ट्रॉम पुट करवा देते होते हैं। ठीक है जी, आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, बाकी देख लेना कैलकुलेशन हमने सही किया कि नहीं, सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर क्या आने वाला है, 975 नैनोमीटर। ठीक है जी, तो सॉल्व करके आंसर आपका 975 नैनोमीटर आ जाएगा। होपफुली यहां तक आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा, सारे के सारे आपने सही ही किए होंगे। ओके जी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द मास डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए इज, बात किसकी कर रहा है, डेंसिटी की। ओके, अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस तो प्रोपोर्शनल टू 1/3 होता है, लेकिन न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर मास की जो डेंसिटी होती है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, प्रूव करके दिखाते हैं इसको। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, ये किसके प्रोपोर्शनल जाएगी, ए की पावर 0 के प्रोपोर्शनल जाएगी। क्वेश्चन में बोला है 1/3, 2/3, ए 3 इंडिपेंडेंट ऑफ ए। ओके, डी इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। उसने रेडियस नहीं पूछा, रेडियस पूछा होता ए की पावर 1/3 होती, यहां पे क्या पूछा, उसने डेंसिटी पूछी थी, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी ऑप्शन आ गया, करेक्ट हो गया आपका आंसर, उम्मीद है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज is connected to series of a PN junction diode. किस पे लगा दिया भैया इसको, PN junction diode लगा दिया, a PN junction diode, a का मतलब a की PN junction diode। ठीक है जी, the correct option for output, input तो तुम्हारी क्या थी, AC थी, यानी input ऐसी रही होगी, AC की input ऐसी होती है भैया। a diode मतलब एक ही डायोड लगा है, एक ही डायोड मतलब वो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन ही कर पाएगा, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन करेगा तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट है, ये भी भैया गलत हो गया, इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, खत्म। तो आंसर क्या आ गया जी आपका, सी आ गया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन बहुत ईजी आ गया यार, कि व्हेन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, भैया कौन सी डाल रहा है, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डाल रहा है, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालने का मतलब कि वो क्या बन जाएगा, पेंटावेलेंट डालोगे तो एन टाइप बनता है, ट्राइवेलेंट डालोगे तो पी टाइप बनता है, तो इसमें आंसर है इट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, इंप्योरिटी डालने से वैसे भी कभी रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं होता, रेजिस्टेंस डिक्रीज ही होता है, इट बिकम्स अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये आंसर सही है। देयर विल बी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहां से आ जाएंगे, एन टाइप डालने से इलेक्ट्रॉन आते हैं, डोपेंट एटम बिकम डोनर एटम, नहीं भैया डोनर का इसमें चक्कर ही नहीं है, इसमें वैसे ही एक्सेप्टर एटम की बात होती है, इसलिए इसका आंसर आ गया बी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14, क्विट कर जाते हैं यहां से, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन कह रहा है कि आपका इन द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ ए एन टाइप सिलिकॉन, बात किसकी कर रहा है,
एन टाइप सिलिकॉन की द बैंड गैप बिटवीन बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड द डोनर एनर्जी लेवल, बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड डोनर एनर्जी लेवल, पता होगा यार आपको, जब आप एन टाइप सेमीकंडक्टर बना देते हो तो ये तो हो गया तुम्हारा वैलेंस बैंड यानी वीबी, ये हो गया कंडक्शन बैंड यानी कि सीबी, ये ओवरऑल क्या होता है आपका एनर्जी बैंड गैप, और यहां पर क्या डेवलप हो जाता है डोनर लेवल। ओके, यहां क्या डेवलप होता है डोनर लेवल। तो क्वेश्चन पूछा गया है द गैप बिटवीन द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड का बॉटम और उसके डोनर के लेवल के बीच का, यानी ये जो एनर्जी बैंड गैप पूछा गया है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, भैया सिलिकॉन का टोटली 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो ये तो वैसे ही सिरे से खारिज कर दो, ये भी खारिज कर दो, क्योंकि 1.1 तो टोटल ये है, वैसे इसका आंसर क्या आएगा 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आना चाहिए, बाकी इसमें थोड़ा सा डाउट है, चेक कर लेना यार बुक में देख लेना 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका क्या आएगा आंसर आएगा। ठीक है जी, तो 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप थे, वो हमने कवर अप कर लिए, उम्मीद है आपके 15 में से 15 क्या होंगे सही होंगे, अब एक आध अगर किसी का गलत हो गया तो यार ज्यादा टेंशन देने की जरूरत नहीं है, अगले एग्जाम की क्या करो तैयारी करो। ठीक है, अब आता है इसका सबसे गंदा वाला पार्ट, गंदा वाला पार्ट यानी कि assertion reason वाले क्वेश्चन, यार मैं हम लोगों को कहता हूं तो assertion reason वाले बड़े गंदे से क्वेश्चन होते हैं, कई बार पता ही नहीं लगता कि इसका क्या कौन सा ऑप्शन होगा, बड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इस बार खैर मैंने देखे ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, इजी है हो रहे हैं ये क्वेश्चंस। ओके जी, तो बात है किस पे assertion reason में 16, 17, 18 तीन क्वेश्चन है, हो जाएगा अपना सेक्शन ए। तो 60 नंबर क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, ध्यान देना ये क्या कह रहा है कि मैंने बार ऑफ कॉपर इज प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बात किसकी कर रहा है भैया कॉपर की कर रहा है, द फील्ड लाइंस गेट कंसेंट्रेटेड इनसाइड द बार, अगर एक कॉपर की बार को मैग्नेटिक फील्ड में क्या रखोगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ही बोला ना, हाँ मैग्नेटिक ही बोला, मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो वो कह रहा है कि और कंसेंट्रेट कर लेगा, बिल्कुल गलत है यार, कंसेंट्रेट कहां से कर लेगा, कॉपर जो होता है वो किस कैटेगरी में जाता है, इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। अब क्योंकि ये डायमैग्नेटिक है, ये फील्ड लाइंस को भाई अपने अंदर नहीं बाहर निकालता है, तो इसने बोला कि मैंने बार ऑफ कॉपर प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द फील्ड लाइन गेट कंसेंट्रेटेड इन साइड द मैग्नेट, गलत, तो आपका असर्शन तो गलत ही हो गया। ओके, कॉपर इज पैरामैग्नेटिक, मैंने क्या बोला डायमैग्नेटिक, लेकिन ये क्या बोल रहा है पैरामैग्नेटिक, तो कॉपर पैरामैग्नेटिक नहीं होता, कॉपर डायमैग्नेटिक होता है, दोनों ही गलत है, दोनों गलत का मतलब assertion और reason दोनों गलत है। अब देख लेना उसका आंसर मेरे ख्याल से क्या लगाएंगे, फिर डी लगाएंगे, अगर assertion और reason दोनों स्टेटमेंट ही गलत हो जाए तो इसका आंसर क्या लगाते होते हैं हम, डी लगाते होते हैं। ठीक है जी, अब आते हैं अगले सवाल पर, अगला सवाल यानी कि सवाल नंबर 17। तो सवाल नंबर 17 क्या रहेगा आपका, assertion है द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ वेव फ्रंट इज जीरो, बिल्कुल सही है यार, डेफिनेशन इसकी क्या होती है वेव फ्रंट की, वेव फ्रंट इज लोकस ऑफ, आप रटवाते हैं ये तो रटी जाती है सबको, कि लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज आर इज टर्म्ड एज अ वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट है, द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ वेव फ्रंट इज जीरो, वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट है उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, जीरो होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भैया, ऑल द पॉइंट्स ऑन अ वेव फ्रंट आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, क्योंकि वो सोर्स से सेम दूरी पर होते हैं इसलिए फिर वो सेम फेस में ऑसिलेट करेंगे, मेरे हिसाब से ये भी सही है, वैसे इसमें देखो मैं कंफ्यूज होता होता हूं तो अब इसको और भी कहीं से चेक पे कर लेना, मेरे हिसाब से दोनों सही है, और जो सेकेंड वाली है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे होते हैं सोर्स से, सेम डिस्टेंस पे है इसलिए फिर उनका ऑसिलेशन का फेज भी क्या होगा सेम होगा, इसलिए फेज डिफरेंस जो है वो सेम है, तो ए और बी दोनों ही सही है, यानी कि इसका ए ऑप्शन लगता होता है, assertion भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, और बोथ आर, मतलब रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, तो इसका आंसर ए आएगा, बाकी देखना बेटा ऑप्शंस में, उस शुरू में इंस्ट्रक्शन दे रखी होती है, उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो भी होना होगा देख लेना, हमने समझा दिया अपनी तरफ से। अगला क्वेश्चन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डेमोंस्ट्रेट्स पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ये तो बिल्कुल सही,
फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या डेमोस्ट्रेट करता है, पार्टिकल नेचर को डेमोस्ट्रेट करता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, अगली बात, फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से क्या है ज्यादा, ये भी सही है, तो ये भी सही, लेकिन अब उसकी एक्सप्लेनेशन इसमें मेरे ख्याल से कोई ज्यादा बन नहीं रही। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेट्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ट्रू असम्पशन तो सही है, लेकिन जो रीजन है सही होने के बावजूद करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका ए आंसर तो नहीं आएगा मेरे ख्याल से, इसका बी दे रखा होगा, बाकी को देख लेना आप कि बोथ असम्पशन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। तो यार ये सेक्शन ए हो गया हमारा सेट वन का, साथ के साथ ही सेट टू का भी हम पहले क्या कर लेंगे, सेक्शन ए कंप्लीट कर लेंगे, सेट थ्री का भी सेक्शन ए कंप्लीट कर लेंगे, बाकी जो है वो बाद में देखेंगे।